गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी बघेल आज आपको अम्बेली फेरी फैमिली, जिसका जो नया नाम है ICBN के नियमों के अनुसार APSC, इसे धनिये का कुल भी कहते हैं, कोरिएंडर की ये फैमिली है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसमें जो इसका वर्गीकरण है, बेंथम एंड हुकर ने इस कुल को डाइकोटिलीडनी क्लास में, सब क्लास पॉलीपेटली, सीरीज कैलिसीफ्लोरी और ऑर्डर अम्बलेल्स में रखा है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंगलर एंड प्रांटल ने इसको डाइकोटिलीडनी क्लास आर्किक्लेमेडी और ऑर्डर अम्बलेल्स के अंतर्गत रखा है। अगर हम इसके बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट्स के बारे में बात करें, तो सबसे पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स ऑर्नामेंटल हैं, जिसमें एरेंजियम प्लैनम और एंजेलिका आर्कएंजेलिका आता है। ये ऑर्नामेंटल यानी सजावटी पौधे हैं, जिनको गार्डन्स में, बोटैनिकल गार्डन्स इत्यादि में और सजावट के पौधों के रूप में इनको उगाया जाता है। फूड की बात करते हैं, तो फूड में आपने गाजर जानते हैं, जिसका बोटैनिकल नेम है डॉकस कैरेटा। गाजर इस फैमिली के अंतर्गत आता है। एंथम ग्रेवियोलेंस, जिसको सोया कहते हैं, जो सलाद में और साग बनाने के काम, जिस ये पत्तियां जो आती हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पे सारा नोट्स आप देख सकते हैं। एपियम ग्रेवियोलेंस जो है, इसकी पत्तियां भी सलाद के काम में आती हैं। इस फैमिली में बहुत इम्पॉर्टेंट जो प्लांट्स हैं, वो मसालों के रूप में प्रयोग में लिए जाते हैं। क्यूमिनम सिमिनम, जिसे हम जीरा कहते हैं। फिनिकुलम वुलगियर, सौंफ का बोटैनिकल नेम है। कोरिएंड्रम सटाइवम, ये धनिया है। ट्रैकीस्पर्मम एमआई, ये अजवाइन है। फेरुला एसाफेटिडा, ये हींग है। ये सारे जो पादप हैं, ये मसालों के रूप में प्रयोग में लिए जाते हैं। साथ ही ये जितने भी मसाले हैं, इनका मेडिसिनल उपयोग भी है, ठीक है। औषधीय पादप के रूप में भी इनको प्रयोग में लाया जाता है। मेडिसिनल प्लांट्स में सेंटेला एशियाटिका भी आता है, जिसे हम ब्राह्मी कहते हैं। इसको पीस करके इसका लिक्विड जो पानी होता है, वो ठंडक के रूप में, ठंडा दे करने के लिए भी पिया जाता है, कूलिंग एजेंट के रूप में काम आता है। और मस्तिष्क संबंधी बीमारियों में भी ब्राह्मी को दिया जाता है। ये कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ाती है, याददाश्त भी बढ़ाती है, सेंटेला एशियाटिका ब्राह्मी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट औषधीय पादप हैं। इसके अलावा ऊपर जितने भी मसाले मैंने आपको बताए हैं, वो सब पेट से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, उसमें काम आते हैं। सौंफ जो है, फिनिकुलम वुलगियर, वो भी ठंडक देती है, गर्मी हो जाती है या यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, तो सौंफ को पानी में भिगो करके दिया जाता है। अब जब इसके स्पीशीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो इस कुल के अंदर कुल पूरे विश्व में 300 जीनस हैं और 3000 प्रजातियां हैं, और इंडिया में इसके 53 जीनस हैं और 200 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये सारे के सारे प्लांट्स जो हैं, इनके अंदर एक विशेष प्रकार का असेंशियल ऑयल पाया जाता है, जिसकी वजह से इन सभी पादपों में, इस कुल के सभी पादपों में एक विशेष प्रकार की, विशेष किस्म की एक स्मेल आती है। एसेंशियल ऑयल की वजह से एरोमेटिक स्मेल आ जाती है। इस स्मेल की वजह से ये सारे के सारे पादप इसके मसालों के रूप में प्रयोग में आते हैं। और अगर आप इसकी हैबिट देखते हैं, तो ज़्यादातर पादप जो हैं, वो हर्ब्स हैं, शाकीय हैं, कुछ श्रब्स भी पाए जाते हैं और कुछ क्लाइंबर्स भी पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं रूट की। तो रूट जो है, टैप रूट है, और आपने गाजर जो खाते हैं, गाजर भी रूट है, कोनिकल शेप में होती है, वो रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करने के लिए थोड़ा सा उसका मॉडिफिकेशन हो गया है। स्टेम की बात करते हैं। स्टेम चूंकि ऊपर है, एरियल है, ब्रांच्ड है, सिलिंड्रिकल है, इरेक्ट है, चूंकि हर्ब है इसलिए सारे स्टेम सॉफ्ट होते हैं। जो स्टेम्स हैं, वो नोड्स और इंटर नोड्स में विभाजित हैं, यानी पर्व संधियाँ और पर्व इसके अंदर पाए जाते हैं। नोड वाला पोर्शन जो होता है, वो सॉलिड होता है, और इंटर नोड वाला जो पादप का जो स्टेम का जो पोर्शन है, वो हॉलो होता है। इस प्रकार की स्टेम को हम फिस्टुलर कहते हैं। और कुछ जो झाड़ियाँ पाई जाती हैं इस कुल में, उसकी वुड जो, उसकी जो तना होता है, वो थोड़ा वुडी होता है, सख्त होता है।
इस स्टेम के अंदर साइजोजीनस ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसके अंदर ऑलियोरेजिन पाई जाती है, कुछ असेंशियल ऑयल पाए जाते हैं जिसकी वजह से इस फैमिली के पादपों में स्मेल पाई जाती है, एक विशेष प्रकार की स्मेल होती है जिससे ये मसालों के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। आइए पत्तियों की बात करते हैं। पत्तियाँ ज़्यादातर सभी पादप जो इस फूल के अंदर है उसमें सिंपल होती हैं। धनिए के जो पत्ती है वो पूरी तरीके से काफ़ी कट फट जाती है, उसको डीकम्पाउंड लीफ कहते हैं। स्टिप्यूल चूँकि नहीं पाया जाता है, एक्सटिपुलेट हो गई। सभी पत्तियों में पीटियोल पाया जाता है तो पत्ती पीटियोलेट हो गई। पीटियोल जो होता है यानी पत्ती की जो डंडी होती है उसमें नीचे आप देखेंगे एक पॉलीथीन की जैसी उसके बेस पे एक शीथ लगी रहती है, और जो इसका शिरा विन्यास है वो रेटिकुलेट है, अरेंजमेंट अल्टरनेट है। अब हम आते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पुष्पक्रम की बात करते हैं। पुष्पक्रम इसका अम्बल है और अम्बल पुष्पक्रम की वजह से ही, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इनफ्लोरेसेंस कौन सा है, अम्बल है। अम्बल पुष्पक्रम की वजह से ही इस फैमिली का नाम पहले अम्बली फैरी रखा गया था। और इसमें दो प्रकार के अम्बल होते हैं, सिंपल अम्बल और कंपाउंड अम्बल। सिंपल अम्बल केवल हाइड्रोकोटाइल में पाया जाता है और कंपाउंड अम्बल जो होता है वो सारे बाकी पादपों में इस फैमिली के में पाया जाता है। सिंपल अम्बल जो ये चित्र में आपको दिख रहा है, देखिए ये चित्र है, इसमें नीचे जो है वो पेडंकल है, पेडंकल के नीचे जहाँ आपने देख रहे इन्वोल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट्स, ये एक ब्रैक्ट्स का झुंड है, और झुंड के ऊपर ये पुष्प की डंडियाँ लगी हुई हैं जो पेडिसल्स हैं, और इसके अंदर इस सिंपल अम्बल में आपको 6 पुष्प दिख रहे हैं। ये 6 पुष्प एक पूरा घेरा बनाते हैं गोल, ये सिंपल अम्बल हुआ। अब हम बात करते हैं कंपाउंड अम्बल की, जो ज़्यादातर इस कुल के पादपों में पाए जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है कि जो पेडंकल है वो शाखित हो गई है, तो नीचे आपको एक ब्रैक्ट्स का झुंड दिख रहा है, जो सिंपल अम्बल में भी था वो तो हो गया इन्वोल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट्स, और जो पेडंकल शाखित हुई है, जैसे इसमें 3 शाखाएँ निकल रही हैं पेडंकल की, और प्रत्येक शाखा पे एक सिंपल अम्बल बना हुआ है, तो 3 सिंपल अम्बल आपको इसमें दिख रहे हैं, और ये पूरा मिला के हो गया कंपाउंड अम्बल। ये एक साइकिल के पहिए के चक्र जैसा दिखता है, या इसको अम्ब्रेला जैसा भी कह सकते हैं, छाते जैसा, इसलिए इस पुष्पक्रम को अम्बल कहा जाता है। और प्रत्येक सिंपल अम्बल के नीचे जो झुंड दिख रहा है ब्रैक्ट्स का, उसको इन्वोल्यूसल ऑफ ब्रैक्ट कहते हैं, और सबसे नीचे वाला जो झुंड है जो पेडंकल के बेस पे है उसको इन्वोल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट्स कहते हैं। तो ये हुआ अम्बल का डिस्क्रिप्शन, जो आप अलग से भी एक शॉर्ट नोट में एग्ज़ाम में आपसे अम्बल के ऊपर टिप्पणी करने के लिए आ सकता है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पुष्पक्रम है। आइए अब हम बात करते हैं फ्लावर की, पुष्प की बात करें। तो चूंकि मैंने आपको पुष्पक्रम में ब्रैक्ट्स का झुंड दिखाया, इसलिए पुष्प ब्रैक्टिएट हुआ। ब्रैक्टियोल चूंकि कहीं पर भी नहीं है, इसलिए पुष्प ई ब्रैक्टियोलेट हुआ। पुष्प की डंडियां आपने सब में देखी तो पेडिसिलेट हो गया। बाइसेक्सुअल है, कंप्लीट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बट कोरिएंडर यानी धनिए के अंदर ये पुष्प जो है वो जाइगोमॉर्फिक होते हैं, वो मैं आपको धनिए के पुष्प के बारे में नीचे अलग से बताऊंगी। पुष्प पेंटामेरस हैं यानी सारी इकाइयां 5-5 हैं। एपीगाइनस हैं यानी ओवरी नीचे है और ओवरी से ऊपर बाकी जो 3 पार्ट हैं यानी कैलेक्स, कोरोला और एंड्रीशियम, ये गाइनीशियम से ऊपर स्थित हैं। कोरिएंडर यानी धनिए के अंदर 2 तरीके के पुष्प पाए जाते हैं। जो पूरा जो घेरा बन रहा है उसमें सेंट्रल पुष्प होते हैं और पेरिफेरल पुष्प होते हैं। जो बीच के पुष्प हैं वो सारे के सारे सिमेट्रिकल होते हैं, सेंट्रल फ्लावर, और जो पेरिफेरल जो परिधीय पुष्प हैं वो एक्टिनोमॉर्फिक नहीं होते, वो जाइगोमॉर्फिक होते हैं, वो सिमेट्रिकल नहीं होते हैं। अब हम कैलेक्स की बात करते हैं। कैलेक्स यानी बाहेदल पुंज, उसके अंदर सेपल्स की संख्या 5 है। कुछ प्लांट्स में गैमोसेपलस कंडीशन है, अदरवाइज मैक्सिमम प्लांट्स के अंदर पॉलीसेपलस कंडीशन पाई जाती है। आप स्क्रीन पे सब आप मेरे संग संग चलते जाइए जैसा जैसा मैं आपको बताती जा रही हूँ। जो सेपल्स का अरेंजमेंट है वो वॉल्वेट या एम्ब्रिकेट हो सकता है। सेपल्स बहुत ही बारीक और पतले पतले सुई नुमा होते हैं, इसको बोलते हैं इनकॉन्स्पिकुअस सेपल्स, और ये सारे के सारे ओवरी के ऊपर, जैसा ये डायग्राम आपको दिख रहा है, यहाँ कैलेक्स में मैंने ये छोटी सी ओवरी बनाई है जिसके ऊपर ये 5 आपको कैलेक्स
यानी सेपल्स दिख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बारीक नीडल नुमा हैं या दांत नुमा हैं, और ये बहुत बारीक होते हैं, इसलिए इनको इनकॉन्स्पिक्यूअस कहते हैं। और धनिए के अंदर जो सबसे आगे का सेपल होता है, एंटीरियर सेपल, वो साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है। दल के बारे में बात करते हैं, कोरोला के बारे में, तो पेटल्स की संख्या 5 है, पॉलीपेटलस कंडीशन है, यानी सारे के सारे फ्री हैं। प्रत्येक पेटल बाइलोब्ड है, यानी प्रत्येक जो पेटल है वो बीच में से थोड़ा सा धंसा हुआ है, इसलिए उसके दो अंग प्रतीत होते हैं, दो पार्ट प्रतीत होते हैं, जैसा कि ये चित्र में दिख रहा है। ये दो पेटल नहीं है, ये एक ही पेटल है, इसको बाइलोब्ड या बाइफिड कहते हैं। ठीक है, अब धनिए का मैं बताती हूँ परिधीय पुष्प। मैंने बताया था धनिए में दो तरीके के पुष्प होते हैं, सेंट्रल केंद्रीय पुष्प और परिधीय पुष्प, यानी पेरिफेरल पुष्प। जो पेरी सेंट्रल पुष्प होते हैं उसके सारे पेटल्स कैसे हैं, बाइलोब्ड, यानी दो लोब हैं, एक पेटल में दो लोब हैं। और सेंट्रल पुष्प जो होते हैं उसके पांचों के पांचों पेटल एक जैसे बराबर होते हैं, लेकिन जो परिधीय पुष्प है जिसका यहाँ डायग्राम बना हुआ है पेरिफेरल फ्लावर का, आप देखिए सबसे ऊपर का जो पेटल है, जो एंटीरियर पेटल लिखा हुआ है, वो साइज में सबसे बड़ा है। फिर जो लेटरल पेटल है, ये दो हैं दोनों साइड वाले, इसमें जो पेटल है उसका एक लोब बड़ा है और एक लोब छोटा है। फिर आते हैं पोस्टीरियर पेटल, पोस्टीरियर पेटल दो हैं और पोस्टीरियर पेटल्स के दोनों लोब्स बराबर साइज के हैं और वो सबसे छोटे हैं। तो ये हो गया पेरिफेरल पुष्प। पेरिफेरल पुष्प में सारे पांचों जो पेटल हैं वो उसका मैंने डिस्क्रिप्शन आपको बताया, एंटीरियर पेटल सबसे बड़ा लेकिन दोनों लोब्स उसके बराबर, लेटरल जो पेटल है एक एक लोब बड़ा है एक एक लोब छोटा है, और पोस्टीरियर पेटल के दोनों लोब्स बराबर के हैं और वो सबसे छोटे हैं। अब हम पढ़ते हैं इस फैमिली के, इसके पुमंग के बारे में, एंड्रीशियम के बारे में। एंड्रीशियम यानी स्टेमंस की संख्या 5 है, सारे के सारे फ्री हैं इसलिए पॉलीएंड्रस कहते हैं, और वो सारे एक ओवरी के ऊपर एक डिस्क लगी रहती है, उस डिस्क से पांचों के पांचों स्टेमंस निकल रहे हैं, और फिक्सेशन बेसी फिक्स्ड या डॉर्सी फिक्स्ड होता है, और सारे स्टेमंस अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं इसलिए उनको इंट्रोर्स कहते हैं। जायांग की बात करते हैं, गाइनीशियम की, तो दो कार्पल हैं। आपने कभी सूखा धनिया अगर देखा हो, सूखा धनिया अगर हम तोड़ते हैं तो दो पार्ट्स में विभाजित हो जाता है, क्लियर कट पता चलता है कि इसके अंदर दो कार्पल हैं। दोनों कार्पल, चूंकि सूखा धनिया आपका दोनों कार्पल चिपके रहते हैं, इसका मतलब सिनकार्पस कंडीशन है, और चिपके रहते हैं पूरे एंड तक, तो इसलिए बाइलोक्युलर कंडीशन है। एक्साइल प्लासेंटेशन है, इन्फीरियर ओवरी है, क्योंकि मैंने शुरू में भी बताया कि ओवरी के ऊपर सारे कैलेक्स कोरोला एंड्रीशियम मौजूद है, ओवरी की पोजीशन नीचे है, तो ओवरी कैसी हो गई, इन्फीरियर। इस ओवरी में दो स्टाइल्स निकल रही हैं और दो स्टिग्मा। ये जो चित्र आपको दिख रहा है गाइनीशियम में, जहाँ मैंने लिखा है ओवरी, ओवरी के नीचे जो डंडी है ये पुष्प की डंडी है, पेडिसल। ओवरी के ऊपर एक जो लिखा है डिस्क, ये एक अलग से एक गोल डिस्क बनी हुई है ओवरी के ऊपर, और उस डिस्क में से दो स्टाइल्स निकल रही हैं और स्टाइल के टिप पे दो स्टिग्मा हैं। तो जब ये स्टाइल किस से निकल रही हैं, डिस्क से निकल रही हैं, तो इसको हम स्टाइल का पैर भी कहते हैं, यानी स्टाइल का ये जो डिस्क है ये स्टाइल का पाद हो गया, यानी पैर हो गया, इसलिए इसको स्टाइलोपोडियम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्टाइल का पोडियम, यानी स्टाइल का पैर, स्टाइलोपोडियम। तो ये हो गया गाइनीशियम के बारे में। अब आते हैं इसका फ्रूट, चूँकि आपने धनिया देखा हुआ है सूखा धनिया, ये धनिया जो है इस फ्रूट को क्रीमोकार्प कहते हैं। ये क्या कहलाता है, क्रीमोकार्प। अब इस चित्र में मैंने ये धनियों को तोड़ के दिखाया है, ये जो सूखा धनिया है अगर इसको बीच में से हम तोड़ देते हैं तो इसके जो दो पार्ट्स होते हैं इसको मेरिकार्प कहते हैं। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है इसमें मेरिकार्प जहाँ लिखा हुआ है, ये एक पार्ट है धनिये का, ये दूसरा पार्ट, तो दो मेरिकार्प होते हैं। ये दोनों आपस में किससे जुड़े हुए हैं, कार्पोफोर से। ये आपको डायग्राम में कार्पोफोर दिख रहा है, ये दोनों मेरिकार्प कार्पोफोर से जुड़े हुए हैं। नीचे पुष्प की डंडी है जिसको पेडिसिल कहते हैं, और ऊपर ये मेरिकार्प के ऊपर मैंने जो ऊपर दिखाया था स्टाइलोपोडियम, वो स्टाइलोपोडियम आपको दिख रहा है। ये हुआ फ्रूट यानी क्रीमोकार्प। फ्लोरल फार्मूला
मैंने धनिए का बताया, क्योंकि धनिए में दो प्रकार के पुष्प हैं, सेंट्रल फ्लावर। अब आप देख लीजिए फॉर्मूला, ब्रैक्टिएट है, ई ब्रैक्टियोलेट है, बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, सेपल्स 5, पेटल्स 5 और एंड्रीशियम में कोमंग 5, गाइनीशियम ओवरी इन्फीरियर, इसलिए डंडा ऊपर है और दो कार्पल हैं, दोनों फ्यूज हैं, तो दो लिख करके और उसके दोनों तरफ हमने क्या लगा दिए, ब्रैकेट। पेरिफेरल पुष्प यानी परिधीय पुष्प में क्या अंतर बताया था शुरू में, कि वो सिमेट्रिकल नहीं होते हैं, क्योंकि परिधीय पुष्प में पेटल्स बड़े छोटे हैं, इसलिए इसका जो फ्लोरल फार्मूला है, ब्रैक्टिएट, ई ब्रैक्टियोलेट, बाइसेक्सुअल और जाइगोमॉर्फिक, केवल यही अंतर है सेंट्रल फ्लावर और पेरिफेरल फ्लावर में, ये जाइगोमॉर्फिक है। K5 यानी सेपल्स 5 हैं, C5 पेटल्स 5 हैं, A5 यानी एंड्रीशियम में पुमंग भी 5 हैं, गाइनीशियम में वही बाइकार्पिलरी, सिनकार्पस, बाइलोक्युलर, ओवरी, इन्फीरियर। अब हम फ्लोरल डायग्राम की बात करते हैं, तो ये भी हम कोरिएंड्रम सैटिवम यानी धनिए के, मैंने दोनों पुष्प सेंट्रल फ्लावर और पेरिफेरल फ्लावर का पुष्प, ये पुष्पीय चित्र बनाया है। पहले सेंट्रल फ्लावर आप देखिए, नीचे ब्रैक्ट है, ये एक सिंगल ब्रैक्ट, इसमें 5 आप देख रहे हो सेपल्स हैं जो वॉल्वेट अरेंजमेंट में अरेंज्ड हैं और पांचों के पांचों फ्री हैं, कोई आपस में जुड़े नहीं हैं। उसके बाद 5 पेटल्स हैं जो सेपल्स के अंदर हैं और पांचों बाइलोब्ड हैं पेटल्स, बाइलोब्ड पेटल्स सारे बराबर साइज के हैं, ये सेंट्रल फ्लावर हो गया। फिर उसके बाद 5 स्टेमन्स आपको दिख रहे हैं, तीसरा जो घेरा है 5 स्टेमन्स का है, ये जो 5 स्टेमन्स हैं ये भी आपस में फ्री हैं, अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं, इसलिए इंट्रोर्स हो गया। सेंटर में आपको जो ओवरी का ट्रांसफर सेक्शन दिख रहा है, इसमें क्लियर दिख रहा है बाइकार्पिलरी, बाइलोक्युलर, सिनकार्पस और 2 ओव्यूल आपको एक्साइल प्लासेंटेशन पे दिख रहे हैं। सेंट्रल फ्लावर के बाद आते हैं हम पेरिफेरल पुष्प में, ये परिधीय पुष्प है, वैसे ही ब्रैक्ट मौजूद है, 5 सेपल्स मौजूद हैं, 5 पेटल्स हैं। आप ये एंटीरियर पेटल देखिए, जो नीचे होता है वो एंटीरियर साइड होती है, ये सबसे बड़ा है, दोनों लोब्स इसके बड़े हैं, ये सबसे बड़ी साइज़ है। लेटरल पेटल में एक एक लोब बड़ा है, एक एक लोब छोटा है, क्योंकि बाइलोब्ड हैं ये पेटल्स, और पोस्टीरियर पेटल जो दोनों हैं वो सबसे छोटी साइज़ के हैं और दोनों लोब्स बराबर हैं, और इन पेटल्स की वजह से, ये अनइक्वल साइज़ की वजह से पेरिफेरल फ्लावर जो है वो जाइगोमॉर्फिक हो जाता है। 5 स्टेमन्स इसमें भी दिख रहे हैं और वैसा ही इसके अंदर आपको गाइनीशियम दिख रहा है। तो ये जो कुल है ये